नमस्कार दोस्तों दोस्तों देखिए, कल मैंने तत्काल टिकट बुक किया था और मैंने स्लीपर में किया था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर SL और तत्काल लिखा हुआ है ना, रुदौरी से किया था। तो दोस्तों, जब मैंने स्लीपर में इसका टिकट बुक किया था और यहाँ पर मेरे को बेटिंग मिला था, दूसरे और यहाँ पर तीसरे नंबर पर बेटिंग मिला, पर ये क्या है, अब ये देखिए, ये कन्फर्म हो गया है। और यहाँ पर लिखा है B4 और 39, और यहाँ पर B4 और 40 सीट नंबर है। और जब हम इसको चेक करते हैं तो देखिए, यहाँ पर करेंट स्टेटस पे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए स्लीपर 2-3 ये लिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है अपर क्लास फॉरम स्लीपर 2-3 ए। 3 ए का मतलब होता है थर्ड AC। अब देखिए दोस्तों, मैं स्लीपर में बुक किया था और मुझे सीट किस में मिला है, थर्ड AC में। इसका मतलब क्या है देखिए दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जब हम टिकट बुक करते हैं, बेटिंग हो या RC में हो, या हमारा तत्काल टिकट बेटिंग में चला जाता है, या तत्काल टिकट जब हो जाता है वो तो तुरंत टिकट मिल जाता है और मतलब सीट मिल जाता है। परंतु अगर हम तत्काल टिकट जब बुक करते हैं और हमारा RC में, या RC में नहीं मतलब बेटिंग में चला जाता है, तो जब बेटिंग में जाता है तो वो कन्फर्म होता है। तो रेलवे वाले क्या करते हैं, जब कन्फर्म हो जाता है और वो देखते हैं कि स्लीपर में खाली नहीं है और AC वाले में क्या है, सीट खाली है, तो वो क्या करते हैं कि AC वाला तो ऐसे फालतू में जाएगा, तो वो क्या करते हैं, स्लीपर क्लास वाला को जो बेटिंग होता है, जो कन्फर्म हो जाता है, उसको थर्ड AC में उसको क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। AC वाले क्लास में क्या करते हैं, उसको सीट को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका ऐसा कुछ दिखा रहा है, ऐसा कुछ लिखा हुआ आ रहा है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। आप जाइए और उसी टिकट पर, और जितना आपका पैसा लगा उसी पैसे पर आप स्लीपर का मज़ा AC में ले सकते हैं। आपको सीट जो मिलेगा वो AC में मिलेगा और आपको किसी को ज़्यादा पैसे देने के ज़रूरत नहीं है। इसी टिकट में आपको क्या मिलेगा, AC वाला आपको सीट मिलेगा। तो ये छोटा सा वीडियो है, मुझे आशा है ये वीडियो आपको अच्छी लगे होंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना,